हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपका भी सपना है आईआईटी में जाने का? अगर आपका सपना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में कौन से टॉप 10 आईआईटी कॉलेज है और उन टॉप 10 कॉलेज में जाने के लिए कौन सी कैटेगरी को कौन सी ब्रांच के लिए कितने रैंक चाहिए, इसकी आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले टॉप 10 आईआईटी कौन से हैं और कौन से आईआईटी में कौन सी ब्रांच कितने रैंक पे जाती है, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आईआईटी बॉम्बे। ये है बच्चों आईआईटी बॉम्बे, और आईआईटी बॉम्बे में सबसे पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग ओबीसी के लिए आपको न्यूट्रल, मतलब मेल हो फीमेल हो जो भी है, तो उनके लिए 1123 पे जाएगा। फीमेल के लिए देखिए मतलब लगभग ज्यादा आधे से ज्यादा पे जा रहा है, मतलब 2500 रैंक भी अगर होंगी फीमेल की तो उनको एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल सकता है ओबीसी के लिए। जनरल के लिए रैंक, जनरल जो होते हैं उनके लिए रैंक 2003 पे और फीमेल के लिए 4419 जनरल के लिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए अगर देखेंगे तो रैंक और भी कम हो रही है, मतलब यहाँ पे और ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं 579 पे आपको मिलेगा और 579 पे मिलेगा, क्योंकि ये मार्क्स नहीं है, ये रैंक है। तो यहाँ पे इनकी जो सीट्स हैं वो कम होती है, तो इसलिए ओबीसी में आपको 1130 इस रैंक पे जाएगा। अब रैंक आप सबको पता होती है। अब हम आगे की रैंक की तरफ चलते हैं। ये हो गया आईआईटी बॉम्बे की। अब आईआईटी बॉम्बे के साथ साथ हम आगे के कॉलेज भी देखेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग ओबीसी के लिए आएगा 1317 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आएगा 3546। ईडब्ल्यूएस मतलब जो ट्यूशन फी जिसमें मार्क होती है वो जो स्कीम है उसमें 413 पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा 1321। ये आपको दिख रहा है हर एक कैटेगरी, आपको जो जो कॉलेज चेक करना है आप यहाँ पे चेक करते चलिए। तो ये केमिकल इंजीनियरिंग की बात हो गई। अब केमिकल इंजीनियरिंग के बाद नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हो ओबीसी जो है टॉप 1630 पे है, मतलब आपकी जो ओबीसी की रैंक है वो ओबीसी की रैंक आपकी कितनी होनी चाहिए, वो 4000 वगैरह अगर आपकी रैंक है तो आपको नहीं मिलेगा, 1500 के अंदर आपकी रैंक चाहिए ओबीसी के लिए अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग भी अगर करना है तो। तो इसके साथ साथ अब हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसकी तो क्या बात करनी है, टॉप मोस्ट जाएगा आईआईटी बॉम्बे, 50 रैंक अगर होंगी तो ही आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा और फीमेल के लिए 166, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर हम देखेंगे तो ओबीसी थोड़ा 755, देखो कंप्यूटर साइंस है तो वो आपको जाएगा, कंप्यूटर साइंस आपका जाएगा कितने 50 पे, लेकिन मैकेनिकल जाएगा 755 पे और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 2393 यहाँ पे जाएगा। तो आपको ध्यान देना है एक एक कॉलेज की तरफ, एक एक एससी आपकी कौन सी कैटेगरी है उस कैटेगरी के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कॉलेज कितने पे जाएगा, ठीक है। अब हम आगे का देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 268 पे आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल सकता है, 288। ये सब टॉप मोस्ट रैंक है। उसके साथ साथ अब अगर हम देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 755 पे है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 268 पे है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ जिसका नाम है आईआईटी मद्रास, ठीक है। आपको वीडियो को पॉज करके जो भी आपको कॉलेज को डिटेल में देखना है वो आप देख सकते हो। आईआईटी मद्रास बिल्डिंग बहुत बढ़िया है और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपको ओपन कैटेगरी की रैंक होनी चाहिए 3173 और फीमेल के लिए 7031। अगर ओबीसी की बात करें तो 1500 के रेंज में, या फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 3500। तो जो बच्चों की रैंक 1500 के रेंज में है, मेल कैंडिडेट अगर है तो उनको इतनी कम रैंक, मतलब क्या बोल सकते हैं, ज्यादा मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। तो अब हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं आईआईटी मद्रास की, तो वहां पे भी ओपन कैटेगरी 3173 और इसके ओबीसी के लिए 1549, ठीक है। तो ये उनकी रैंक्स हो गई। अब आप देख सकते हो ओपन कैटेगरी के लिए 11000 पे भी आपको आईआईटी मद्रास में सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है और यहाँ पे 5000
5458 पे, ये ओबीसी है 2256 पे आपको ओबीसी में आईआईटी मद्रास में सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो बहुत कम रैंक यहाँ पे गिर जाती है, 427 रैंक आपकी होनी चाहिए तब जाके ओबीसी को कंप्यूटर साइंस मिलेगा। ओपन कैटेगरी है तो 1007, और फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, लगभग डबल हो रहा है, देखो डबल या ट्रिपल भी हम बोल सकते हैं। तो ये है आईआईटी मद्रास की बात। आईआईटी मद्रास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको कुछ इस तरीके से ब्रांचेस मिलेगी। तो ओबीसी की बात करें तो 1075 पे आपको मिलेगा ओपन के लिए, 23-23 ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 6400। तो आपको कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को आपको फोकस करना है और उसके अनुसार आपको आपको पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी किसको मिलेगा। तो सेकंड नंबर पे आता है आईआईटी मद्रास कंप्यूटर साइंस, तो ये टॉप मोस्ट ब्रांच जाती है। और ये तो अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात हो गई, तो ये सारी ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये नई ब्रांच है बच्चों बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी बॉडी के रिलेटेड बॉडी स्कैनिंग मशीन है, ऐसे बहुत सारे इंजीनियर क्या होते हैं मशीन्स होती है जो डेवलप करने के लिए इंजीनियर की काम करते हैं, जो हमारे बॉडी के रिलेटेड वर्क करती है। तो इसके रिलेटेड ये नई ब्रांच है अभी, तो यहाँ पे भी ओपन ओबीसी कैटेगरी देखेंगे तो 3377 पे भी मेल को मिल सकती है, फीमेल के लिए 5630 पे मिलेगा। ओपन कैटेगरी के लिए अगर है तो 7093, और फीमेल के लिए है 10710 इतने पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है। आईआईटी मद्रास की बात हम कर रहे हैं। और लास्ट नेक्स्ट वन इज द व्हाट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तो खड़गपुर की बात अगर करेंगे तो खड़गपुर में भी हम देखेंगे, ये भी थर्ड रैंक पे आता है आईआईटी, आप इसकी बिल्डिंग देख लेंगे। और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, जो बच्चे 11th में 12th में, अभी से आपको ये काम करना है कि यार आपकी इस तरह की रैंक आनी चाहिए सो दैट आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा। अब ओबीसी की बात करें तो 2390 और फीमेल कैंडिडेट 5097 इतने पे मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए भी ब्रांच जो यहाँ पे चाहिए वो 382 और 382 यहाँ पे रहेगा, क्योंकि उनकी सीट्स कम होती हैं। तो उसके बाद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच बात अगर हम करते हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए ये ओबीसी कैटेगरी के लिए ये लगेगा और इनके लिए ये लगेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओबीसी के लिए और इसके लिए, ठीक है। तो ये है आईआईटी खड़गपुर का। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो ओपन के लिए 1000, मतलब फर्स्ट 1000 में आप होने चाहिए ओपन कैटेगरी में। ये टॉप की ब्रांच यहाँ पे चलती है। ओबीसी के लिए 528, ओबीसी के लिए आएगा 528, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये है 1254। तो हम अभी आगे की ब्रांच के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये है, कंप्यूटर साइंस के लिए ये है, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये है। तो ये पूरा हो गया हमारा आईआईटी खड़गपुर के बारे में। अब हम आगे के यहाँ पे आईआईटी मद्रास थोड़ा पीछे जा रहे हैं, सॉरी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आईआईटी खड़गपुर का, अभी हमने देखा है। अब हम देखेंगे आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी में क्या हुआ है कि केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। आप देख लीजिए एक बार कि किस तरह से कौन सी ब्रांच कितने पे जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल साइंस जो है वो आपका इस रेंज में जाएगा, जनरल जो है वो 6880 पे जाएंगे, और 13966 है। तो ये होगी केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हो जनरल का 6648, तो जिनका कट ऑफ कम है तो या जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है उनको देखना है कि यार हमें कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहिए सो दैट हमें एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी अभी हमने देखा है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ये टॉप की है, तो इसके लिए बहुत कम आपकी रैंक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स होने चाहिए। ये हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो फीमेल के लिए 3242 और ओबीसी के लिए 90, जनरल के लिए 2115, एससी एसटी के लिए 665, 329, ये उनकी
ब्रांच होनी चाहिए या वो उनके कटऑफ्स होनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है 1860 पे आपको ओबीसी के लिए मिल सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5520 इस पे आपको मिलेगा। तो ये अभी हमारा नेक्स्ट चलते हैं आईआईटी पटना, देख लीजिए आपका आईआईटी पटना। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे ओपन के लिए 10634 और एक फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 18768 पे आपको मिलेगा। ओबीसी के लिए 4190, तो यहाँ पे 4000 के ऊपर जिनकी ओबीसी की रैंक है ऐसे मेल कैंडिडेट को यहाँ पे आईआईटी पटना में एडमिशन मिलने की जरूरत या पॉसिबिलिटी है। सेकंडली फीमेल कैंडिडेट का तो कोई देखने की बात नहीं, 8175 पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आपकी रैंक है। सिविल इंजीनियरिंग में भी 4054 पे आपको ओबीसी के लिए मिल सकता है, और ये 21 का कट ऑफ है, 21 ध्यान में रखेंगे, ये लास्ट ईयर के कट ऑफ से इस साल के कट ऑफ थोड़े 19-20 यहाँ पे हो सकते हैं, ये लास्ट ईयर के कट ऑफ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लास्ट ईयर यहाँ पे कट ऑफ हुआ था 3400, हो सकता है इस साल कट ऑफ थोड़े और बढ़ जाए। अब मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में ध्यान में रखना, आप जो बच्चों को चाहिए यार कि हमारा ओबीसी में है और हमारा थोड़ा क्या है कि रैंक ज्यादा है, तो आप मेटालर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हो। तो वहां पे आप देख सकते हो 4768 पे भी ओबीसी कैंडिडेट को भी यहाँ पे क्या मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है आईआईटी पटना में। ठीक है, अब आईआईटी पटना के बाद हम चलते हैं आगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ओबीसी के लिए 2380 पे भी आपको यहाँ पे मिलेगा, यह है आईआईटी पटना। इसके बाद आईआईटी कानपुर में अभी हम चलेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसके लिए भी खतरनाक मार्क्स चाहिए, बहुत अच्छी रैंक चाहिए तब जाके आपको यहाँ पे मिलेगा। बायोलॉजिकल साइंस ये एक है जहाँ पे आपको ओबीसी को 3367 पे भी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये है बायोलॉजिकल साइंस। इसके साथ साथ केमिकल इंजीनियरिंग में भी आप देखेंगे फीमेल के लिए 4839 पे आपको मिल सकता है। अब हम आईआईटी कानपुर की बात अगर करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हो कि 5993 पे भी ओपन पे मिलेगा, लेकिन ओबीसी के लिए तो 2265 पे आपको मिल सकता है। ये हो गया आईआईटी कानपुर। कंप्यूटर साइंस में 141, ये बहुत खतरनाक टॉप की ब्रांच है, कोई भी कॉलेज में जाओ टॉप की ही रैंक वहां पे लगेंगी आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो 659 पे आपको मिलेगा। उसके साथ साथ मेटालर्जिकल साइंस आपको मिल सकता है 2843 पे मिलेगा, और फीमेल के लिए 7036 पे मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आप उसके बाद ये है हमारा नेक्स्ट दैट इज द आईआईटी इंदौर। ठीक है, इंदौर में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि ओबीसी फिर से सभी कॉलेज में कट ऑफ का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इंदौर में आपको सिविल इंजीनियरिंग अगर करना है तो 3337 पे आपको मिल सकता है, और फीमेल कैंडिडेट का तो कोई देखने की बात नहीं 6987 पे भी आपको मिलेगा। कंप्यूटर साइंस वो तो बहुत टॉप पे जाएगा 461 पे, और ये कंप्यूटर साइंस का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें ओबीसी को 1596 पे मिलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये आपको ओबीसी के लिए 2557 और ओपन में 6233। तो ये हमारी मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में भी आप ओबीसी अगर देखेंगे तो आईआईटी इंदौर में 3954 पे आपको मिलेगा मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग। अब हम आगे चलते हैं आईआईटी दिल्ली की तरफ। आईआईटी दिल्ली में ओबीसी 2579, जनरल 4436, और बाकी फीमेल्स के लिए और ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए हमारे पास यहाँ पे है। केमिकल इंजीनियरिंग भी आप देख सकते हो, इसके साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग के भी ये आपके रैंक है। जो भी आपको अगर लगता है कि मेरे को ये अच्छे से देखना है उसको पॉज करके अच्छे से आप देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस के लिए तो कोई देखने की बात नहीं है, तो कहां पे भी रहो भाई सब में टॉप जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है। अब मटेरियल इंजीनियरिंग में यहाँ पे ब्रांच थोड़ी कम हो जाती है, तो आप मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो,
जनरल के लिए भी यहाँ पे है, और लेडी जो गर्ल्स होती है फीमेल के लिए ये सारी ब्रांचेज ये सारी होती है रैंक। तो फीमेल कैंडिडेट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई करके मैथ्स में थोड़ा दिमाग लगा के अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ये है, और लास्ट में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है उसके लिए ओबीसी की ये है, और फीमेल कैंडिडेट्स की ये सारी रैंक है। एससी एसटी एसटी कैंडिडेट के लिए 815 रैंक है, तो ये सारी रैंक है। अब चलते हैं आईआईटी रुड़की, ये है आईआईटी रुड़की जहाँ ओबीसी की रैंक अभी केमिकल इंजीनियरिंग आपको मिल सकता है। ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं वो आईआईटी रुड़की में अप्लाई करके 4306 लास्ट ईयर था, हो सकता है इस साल और थोड़ा रैंक ज्यादा मतलब 4400 पे या 500 पे भी आपको ये मिल सकता है। आईआईटी रुड़की में आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है, ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है, जिनका 4000 से ऊपर रैंक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग आपको मिल सकता है आईआईटी रुड़की में 5931 पे आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है आईआईटी रुड़की में, ठीक है। तो ये कम रेंज, कंप्यूटर साइंस की तो कोई देखने की बात नहीं, आपको टॉप रैंक चाहिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1945 पे आपको ये मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें भी हाई रैंक चाहिए आपको तभी मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपको थोड़ा कम ज्यादा इसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में 6343 पे भी मिल जाएगा। तो ये लास्ट है हैदराबाद, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है जिनका कम नंबर का कॉलेज है उनको यहाँ पे एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, जिनका रैंक थोड़ा ज्यादा है। केमिकल इंजीनियरिंग 5344, ये देखिए केमिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है हैदराबाद में आपको, जिनको ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है लेकिन इस साल का भी कट ऑफ ऐसे ही रहेगा, ये इससे थोड़ा ज्यादा जाएगा। इसलिए आईआईटी हैदराबाद में आपको मिल सकता है ओबीसी कैंडिडेट के लिए 5348, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10,354। तो ओबीसी को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी हैदराबाद, जिनकी 4000 से ऊपर रैंक है उनको। ओबीसी के लिए आप देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग भी मिल सकता है 7072 पे। ओबीसी के लिए 520, ये तो कंप्यूटर साइंस है भाई, ये तो कहीं भी टॉप पे जाएगा। ओबीसी के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ओबीसी, ये 4000, ये यहाँ पे भी देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको 4273 पे मिलेगा। एयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी बहुत टॉप की रैंक टॉप जाता है, ठीक है। उसके बाद बायोमेडिकल, ये एक है ओबीसी को देखो 7086 पे आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है हैदराबाद में। तो हैदराबाद कॉलेज में आप अप्लाई करके आपको बायोमेडिकल मिल सकता है 7086 में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो आशा करता हूँ ये जो हमने पीपीटी बनाई है इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कौन से टॉप के आईआईटीज है, कौन से आईआईटीज में जाने के लिए क्या रैंक लानी पड़ती है, आशा करता हूँ आपको ये सब समझा होगा। समझा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM हैव हाईली एयर कूल्ड डिजिटल क्लासरूम विद एडवांस्ड सीटिंग अरेंजमेंट। Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry with full library support and under observation reading room for hard working students. A detailed and conceptual teaching by well experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।